इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने भारत के खिलाफ पांचवें और आखिरी टेस्ट की पहली पारी में 16 ओवर में 60 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। एंडरसन ने शुभमन गिल और कुलदीप यादव को अपना शिकार बनाया। इसके साथ ही उन्होंने कुछ खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। कुलदीप को आउट करते ही एंडरसन 147 साल के टेस्ट क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट हासिल करने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। एंडरसन ने 187 टेस्ट में ये मुकाम हासिल किया है। विकेट के मामले में मुथैया मुरलीधरन और शेन वॉन ही उनसे आगे हैं। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट एंड मोर पॉडकास्ट में, और आज हम बात करने वाले हैं जेम्स एंडरसन के रिकॉर्ड के बारे में। एंडरसन भारत में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं। एंडरसन के भारत में 17 टेस्ट में 44 विकेट हो गए हैं। इस लिस्ट में उन्होंने वेस्ट इंडीज के पूर्व गेंदबाज कटनी वॉस को पीछे छोड़ा है, जिन्होंने भारत में 7 टेस्ट में 43 विकेट लिए थे। एंडरसन गेंद के हिसाब से सबसे तेज 700 विकेट पूरे करने के मामले में शेन वॉन को पछाड़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। एंडरसन 39,871 गेंदों में इस आंकड़े तक पहुंचे हैं। वहीं वॉन ने 40,335 गेंद में ये मुकाम हासिल किया था। धर्मशाला 50वां स्टेडियम है जहां एंडरसन टेस्ट मैच खेल रहे हैं। वह इंग्लैंड के दूसरे और दुनिया के 10वें खिलाड़ी हैं जिन्होंने 50 या उससे ज्यादा स्टेडियम में टेस्ट मैच खेले। इंग्लैंड के लिए जो रूट इस लिस्ट में शामिल हैं, सचिन तेंदुलकर पहले स्थान पर हैं जिन्होंने 59 अलग अलग स्टेडियम में टेस्ट मैच खेले हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहें क्रिकेट एंड मोर के साथ। धन्यवाद।